हेलो एवरीवन, दसर अहमद दिस साइड। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इनविटेशन कैसे देना है अपने प्रोस्पेक्ट्स को, जब आप इनवाइट करते हो अपने वीडियोस के लिए, अपने न्यू जब आप लोग इनवाइट करते हो तो आप उसके बाद उनको फॉलोअप कैसे देना है, एंड फॉलोअप इज़ डूइंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी आस्क फॉर, वो करना जिसके लिए आप ऑलरेडी बोल चुके हो। तो वो चीज़ फॉलोअप के पहले मैं आपको तीन ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको मैं या तो इनविटेशन के टाइम यूज़ करता हूँ और आप इसको फॉलोअप के टाइम भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे अपने प्रोस्पेक्ट्स को अप्रिशिएट करना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिचुएशन के मुताबिक उनको अप्रिशिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं उनको बिज़नेस के लिए इनवाइट करता हूँ, एंड आगे से अगर वो मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, या तो कोई फर्स्ट ईयर का होता है, सेकेंड ईयर का होता है, तो मैं उनको ये अप्रिशिएट करता हूँ कि हम जब अपने कॉलेजेस में थे हमें तो इस चीज़ का आइडिया भी नहीं था। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देख रहे हो, अगर आप डिजिटल अर्निंग के लिए देख रहे हो, तो इट्स रियली हाईली अप्रिशिएबल। हम जो है हमने ये सारी चीज़ें जो है वो यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर में स्टार्ट की थी, तो मैं कुछ इस तरह से उनको अप्रिशिएट कर देता हूँ, ठीक है। और अप्रिशिएट आपको जेन्युइनली करना है, ठीक है, कोई फेक इसमें आपने अप्रिशिएट नहीं करना है उसको। तो जो आप उसको इनवाइट करो तो एक दो एलिमेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप उसे जेन्युइनली अप्रिशिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, आप यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, या तो आप इनविटेशन के टाइम पे कर सकते हो, और अगर आप इसमें फॉलोअप में चाहो तो वहाँ पे भी आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। बहुत से लोग अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते जिनकी वजह से उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। अर्जेंसी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं अपनी 6 लोगों की यहाँ पे टीम बनाने वाला हूँ जिनको मैं अपनी प्रॉपरली उनको मैं ट्रेन करूँगा। अगर आप उस ट्रेनिंग का उस ग्रुप का पार्ट बनते हो तो आपको वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो एग्जैक्टली मैं फॉलो करता हूँ, एंड अगर आपने 100% वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर ली तो आपको भी नेक्स्ट लेवल के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड थर्ड चीज़, मैं यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस की वैल्यू क्रिएट करता हूँ, ठीक है। आप इनविटेशन पे भी कर सकते हैं, आप फॉलोअप में भी कर सकते हैं। मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि सर आपका कोविड कैसा गुजरा, आपका लॉकडाउन कैसा गुजरा, तो मोस्टली यहाँ पे लोग कहते हैं कि बहुत ख़राब गुजरा, बस ठीक गुजरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उनसे एक स्मार्ट क्वेश्चन करता हूँ कि सर क्या आपको पता है कि उसी दौरान बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज़ करते हुए ऑनलाइन बहुत बड़ी अर्निंग की है, क्या आपको इस बात का आइडिया था? तो वहाँ से लोग बोलते हैं कि बस पता तो था लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम नहीं मिला या हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं हुआ। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि सर जाने न जाने में आप इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो जिसमें मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि आप सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज़ करते हुए कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो ये तीन चीज़ें मैं इनविटेशन के दौरान या फॉलोअप के दौरान मैं यूज़ करता हूँ, आप सिचुएशन के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं बात करता हूँ कि आपने फॉलोअप कैसे करना है, ठीक है। हम मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इनविटेशन में ही आपने फॉलोअप का टाइम ले लेना है। लाइक अगर आप किसी वीडियो के लिए इनवाइट कर रहे हो, वीडियो को सेंड करना है आपने, या आप किसी सेशन के लिए इनवाइट कर रहे हो, तो उस सेशन के बाद या वो वीडियो देखने के बाद, अगर फॉर एग्जांपल वो प्रोस्पेक्ट कहता है कि मैं 4 बजे तक की वीडियो देख लूँगा, अगर 4 बजे आप उनसे डायरेक्टली आपने कॉल नहीं करनी है, 4 बजे आपने उनको मैसेज छोड़ देना है कि सर क्या आपने वहाँ वीडियो देख ली जो मैंने आपको सेंड की है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट ये चीज़ कि वो आपको रिप्लाई कर दे कि मैंने देख ली है, सो व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ आप फिर कॉल पे बात कर सकते हो और आगे वाली सारी चीज़ें आप उसको गाइड कर सकते हो, जो कि आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बता दूंगा कैसे बात करनी है। एंड सेकेंड थिंग, वो यहाँ पे आपको रिप्लाई नहीं करता है, ठीक है। तो अगर वो रिप्लाई नहीं करता है तो यहाँ पे आप अपना ऑडियो नोट वहाँ पे सेंड कर सकते हो। ऑडियो में आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर मैं, अगर तो आपको ये लगता है, आपने अगर वीडियो देख ली है, अगर आपको ये लगता है कि आपको सेल्स ही बनना पड़ेगा, आपको घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करवाने पड़ेंगे, या आपको भी लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, तो ये आपकी जो है ना, आप गलत सोच रहे हो। मैं एक्चुअली में हमारे पास ऐसे मेथड्स हैं जिनको अगर मैं आपको शेयर करता हूँ तो बहुत ही अट्रैक्टिवली सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे पूछेगा कि भैया आप क्या कर रहे हो, देन आपको वहाँ पे उनके साथ कंसल्ट करना है, आपको अपनी चीज़ें जो उनके साथ शेयर करनी है, ठीक है। एंड फिर भी अगर उसका ऑडियो के नोट भेजने के बाद भी अगर उसका रिप्लाई नहीं आता है तो यहाँ पे आपको उनको बार बार मैसेज करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये टेक्निक सबसे बेस्ट है कि आपको अपने व्हाट्सएप के ऊपर कस्टम स्टोरीज लगानी है। तो व्हाट्सएप के ऊपर एक फीचर है कि आप सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स को जो है वो अपनी स्टोरी दिखा सकते हो, तो वो स्टोरी उन प्रोस्पेक्ट्स में आप लगा सकते हो। आप दो तरह से लगा सकते हो, आप अपनी, या तो अगर आप खुद अर्न कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे जस्ट अर्निंग की बात कर रहा हूँ, और ये स्टेटसेस के ऊपर अपनी अपडेट कर सकते हो, ठीक है। या तो पिक्चर में ये ले सकते हो, अगर आपकी अपनी अर्निंग है तो वहाँ पे अपनी अर्निंग अपडेट कर सकते हो, या अगर आपकी कोई टीम की अर्निंग है या अप्लायंस की अर्निंग है तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि टीम इज़ अलहमदुल्ला, टीम इज़ गोइंग गुड, और आवर लीडर्स आर गोइंग गुड,
ठीक है, या आप अपनी वीडियो के अंदर अगर आप अपनी वीडियो खुद की क्रिएट करोगे तो वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। उसमें आप अपने किसी लीडर को रिप्रेजेंट कर सकते हो और लीडर की अर्निंग वगैरह या उसको आप उसका लाइफस्टाइल दिखा सकते हो। एंड फिर आप उसमें ये कर सकते हो कि आप बता सकते हो कि इनका एक अर्जेंसी वहाँ पर अगर क्रिएट करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बताते हो कि उस लीडर का यहाँ पे बैच क्रिएट होने वाला है, ठीक है, अगर आप भी उस बैच का पार्ट बनना चाहते हो और अगर आप रियली में सीरियस हो कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, तो यू जस्ट कैन डीएम मी, मैं आपको उस ग्रुप में फॉर श्योर ऐड करवा सकता हूँ। तो वो ओबियसली आपके साथ इस तरह से बहुत से प्रोस्पेक्ट्स आपके स्टेटसेस की वजह से यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि स्टोरीज़ के ऊपर जो मेरे जिनको मैंने वीडियो सेंड की हैं, जो मेरे कनेक्शन के अंदर आ चुके हैं, उन लोगों की स्टोरीज़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा रिप्लाई करता हूँ, उनको फीडबैक सेंड करता हूँ और उनके थ्रू उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। किसी ने फॉर एग्जांपल पिक्चर लगाई है तो उनको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि पिक्चर उनकी बहुत अगर अच्छी मुझे लगी है तो मैं उनको जेन्युइनली अप्रिशिएट करता हूँ। यहाँ पे आपने ये चीज़ नहीं करनी कि अगर सामने वाले बंदे का फेस नज़र नहीं आ रहा तो आप ये कहना शुरू कर दो सर यू आर रियली लुकिंग हैंडसम, वो तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो अपने फेक यहाँ पे उनको तारीफ नहीं करनी, आपने जेन्युइनली एडमायर करना है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं कि अगर सामने वाला कन्विंस नहीं, अगर फॉर एग्जांपल वो आपके बिज़नेस में अटैच नहीं हो रहा है तो यहाँ से बहुत से लोग कहते हैं कि वो अपने दिल पे ले लेते हैं कि यार वो सामने वाला मेरे अटैच नहीं हो रहा, मेरे साथ बिज़नेस नहीं कर रहा, तो वो उस प्रोस्पेक्ट साथ या वो जाने वाला है या वो अननोन पर्सन, तो उसके साथ रिलेशन ब्रेक कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी है, आपको वहाँ पे रिलेशन बिल्ड करे रखना है, ठीक है। हो सकता है वो आज ये प्रोस्पेक्ट कनेक्ट नहीं कर रहा, वो आने वाले फ्यूचर के अंदर आपके साथ वो कनेक्ट कर ले, ठीक है। तो आपको उनकी स्टोरीज़ के ऊपर, उनके पोस्ट के ऊपर उनको फीडबैक करना है, उनको एडमायर करना है, उनको जेन्युइनली अप्रिशिएट करना है। आपको ये करेगा सामने वाला बंदा, फिर आपको रिएक्ट करेगा, वहाँ से आप अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो और कन्वर्सेशन स्टार्ट करके आप फिर अपने उस प्रोस्पेक्ट को वहाँ से आप अपने अप्रोच कर सकते हो, आपको इन्वाइट भेज सकते हो, ठीक है। तो ऐसे अपनी रिलेशन बिल्डिंग करनी है, ठीक है। एंड लास्ट थिंग क्या मैं आपको बताने लगा हूँ वो है कि आपको यहाँ पे डोंट शो योर सेल्फ नीडी, आपको यहाँ पे नीडी शो नहीं करना है। आपको सामने वालों को ये नहीं बताना है कि आप ज्वाइन कर लो, आप अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, मुझे अर्निंग नहीं होगी, तो आपको नीडी शो नहीं करेगा। नीडी अगर आप शो करोगे तो सामने वाला किसी और के साथ कनेक्ट कर लेगा लेकिन आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगा। उसकी मेजर रीज़न ये है कि अब आप खुद ही इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि वो उस चीज़ को प्रिडिक्ट कर लेगा कि अगर ये मेरे साथ चेप हो रहा है या मेरे साथ वो इतना ज़्यादा मुझे च्युइंगम बन रहा है तो मुझे भी कहीं ना कहीं मुझे ये कुछ करना पड़ेगा अपने प्रोस्पेक्ट्स के लिए, मुझे भी ये कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो वो किसी और से कनेक्ट कर लेगा लेकिन वो आपसे कनेक्ट नहीं कर लेगा। तो सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो, जब आप अपने फॉलोअप में या अपनी इन्विटेशन में जो मैंने आपको पहले तीन चीज़ें बताई वो आप फॉलो कर सकते हो, तो आपको आप देखोगे कि आपको रिस्पॉन्स रेट जो है ना वो आपका 100% हो जाएगा या आप मैक्सिमम तक लेके जा सकते हो, ठीक है। सो आप अपनी इसमें क्रिएटिविटी भी यूज़ कर सकते हो अपने मुताबिक, अपने प्रोस्पेक्ट की मेंटालिटी के मुताबिक आप उनको इनवाइट भी कर सकते हो एंड आप उसको फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस फॉलो वीडियो। सो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपने प्रेजेंटेशन के बाद उनको कॉल करनी है, उन कॉल्स के दौरान आपने कैसे इफेक्टिव अपनी कम्युनिकेशन करनी है। सो आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, दिस इज दस साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।